आप कहाँ से आए? झज्जर से आए हैं जी। तो आपके इलाके में उधर झज्जर रोहतक वो तो पहले ही कांग्रेस का गढ़ है हुड्डा साहब का। पिछली बार तो नहीं बहुत अच्छा रहा? नहीं, पिछली बार सारी सीटें आई थी, झज्जर की चारों सीटें कांग्रेस को आई थी। नहीं नहीं, उस इलाके के और जिलों की बात कर रहा हूँ, झज्जर रोहतक के अलावा। नहीं, और इलाकों में क्या था, कांग्रेस में जो गुटबाजी है ना, ये तवर का इलाका बांट दिया, उन्होंने वहाँ टिकटें नहीं मिलने दी, रणजीत सिंह की टिकटें काट दी, और ये ऐसी कुलदीप बिश्नोई ने किया। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, अम्बाड़ा में उसमें सब में जो हुड्डा साहब एक खास आदमी थे, उन सबसे सबकी टिकटें काट दी। इस बारी सिंगल वन मैन शो है हुड्डा साहब। अब इस बार पार्टी एक, इस बारी किस्मत देखना, पार्टी एक हो गई। अरे एक बताऊँ मैं आपको, किरण चौधरी इस बार इलेक्शन हारेगी, मेरी गारंटी है। सबकी आंखों में खटक रही है वो इस बारी। क्यों? वो तो कांग्रेस में। नहीं नहीं, उसका रीजन ये है, हुड्डा जिसके ऊपर हाथ रखेगा ना, मेरी गारंटी आप देखना, याद रखना, वही जीतेगा, उसके अलावा कोई जीत नहीं सकता। तो आप हुड्डा के साथ होंगे? बिल्कुल हुड्डा के साथ है। तो आप यही बोलोगे? अरे सब नहीं नहीं, ये कभी रिएक्ट नहीं करता है, हुड्डा हमेशा एक्ट करता है, रिएक्ट कभी नहीं करता। आप कभी देखना, कभी रिएक्ट नहीं करेगा किसी के बारे में। आप किरण चौधरी दुनिया भर की बातें कर रही हैं, आप कोई एक बाइट दिखा दो मुझे हुड्डा साहब ने कभी रिएक्ट किया हो। सबसे महान नेता है, और दीपेंद्र का आप पूछो ही मत। नहीं लेकिन कांग्रेस में और भी नेता है, कहते हैं कि हुड्डा साहब कांग्रेस को हाईजैक करना चाहते। नहीं नहीं, आप ही गलत कह रहे हैं, उन्होंने अपनी एक जो स्वभाव है ना, सरल स्वभाव है, उससे दुनिया का जीत दिल जीता है ना, चौटाला ठीक होते ना। बहुत लोग कहते हैं 10 साल अपने रह लिए मुख्यमंत्री, अब अपने बेटे को आगे कर रहे। क्यों नहीं करेंगे, कौन नहीं करता, क्या बुराई इसमें? बेटा पहला कितनी मेहनत करता है, बेटे से ज़्यादा मेहनत इस देश में कोई नहीं करता है। जितना दीपेंद्र मेहनत करता है, उतनी मेहनत इस देश में कोई भी पॉलिटिशियन नहीं करता। इस पर यही आरोप तो लगे परिवारवाद का। क्या? परिवारवाद का, यही तो कमजोर कड़ी है आपकी। अरे नहीं, जो आदमी मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, परिवारवाद क्या करेगा इसमें? नहीं समझे मेरी बात, ये सब कहने की बातें हैं। कांग्रेस में और कोई नेता ही नहीं है? नहीं। देखो खट्टर साहब किसका, कौन परिवार है उनका, किसको आगे बढ़ा रहे हैं? अब राहुल गांधी का कौन सा परिवार है, बच्चे नहीं ना इसके भी, किसको आगे बढ़ा रहे हैं अभी इन सब का? और 5 साल में खुमार उतर जाएगा, ये बर्बाद हो जाएंगे ना, ये पेट की भूख आएगी, अपने आप लंबे हो जाएंगे। और कोई लंबा चौड़ा काम नहीं किया मोदी साहब ने, ये तो मीडिया बना रहा है मोदी मोदी। 10 साल तो सोनिया गांधी इसको हिंदी बोलनी भी नहीं आया करती, वो राज कर गई थी, इसने कोई तीर नहीं मारा है। जितना रोड़ा आप झगड़ा मचा रहे हो मोदी 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 मोदी, क्या कर दिया? अरे 8 साल में, 10 साल पूरे भी नहीं हुए, 10 साल तो सोनिया गांधी इसने हिंदी भी नहीं आया करती, 10 साल तो वो राज पकड़ लेगी थी। और राहुल से त्यागी कोई आदमी नहीं है, 2009 में प्रधानमंत्री बन सकता था, नहीं बना अगला, ये होता त्याग। अब देखो टी शर्ट में चलता है, इस सारे लाखों आदमी जाते जाए, एक भी आदमी टी शर्ट में चल जाए मेरी गारंटी है, ये महान है, त्याग है इसका। और देखना एकदम सबसे इस देश का सबसे महान नेता राहुल गांधी बनेगा, जो पप्पू पप्पू करते हैं, मेरी गारंटी है, मैं लिख के देता हूँ। बीच बीच में कुछ सुनो, जातिवाद की पॉलिटिक्स की है, आप तो अनुभवी आदमी हो, बीच बीच में राहुल गांधी ऐसे बयान भी तो दे दे। नहीं अरे यार, आदमी 100 बात बोलेगा, वो मोदी सारी झूठ बोलता है, उन्हें कभी सच बोला ही नहीं है, सारे झूठ ही बोलता है ना। आप मुझे बता दो 2014 का एक भी वादा हो तो ना, वो एक भी उसने पूरा किया आज तक, और कोई भी कहाँ गया काला धन, और 2G कहाँ गया, पर सब ये बकवास की बातें। ठीक है, लोग मायावती थी, जाति पॉलिटिक्स की थी, 20 साल जिंदा रही, 20 साल के बाद खत्म होगी वो। अब आगे इनका भी यही हाल होना है, इनका भी यही हाल होना, आप देख लेना, देखते हैं कौन खत्म होता है। हाँ, खतरा तो आपकी पार्टी पर ज्यादा लग रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं, डे बाई डे बढ़ेगी।